हमारे इस रियासत भावलपुर का एक बहुत बड़ा मुकदमा जो खत्म नबूवत के नाम से मशहूर है, हमारे अहमदपुर शर्किया से आगे चनीगोट है, उससे आगे महंत शरीफ है, वहां की एक खातून थी गुलाम ऐशा नाम की। उसका बचपन की सूरत में हालत में उसका निकाह हो गया था, वट्टे सट्टे की सूरत में। अब जिससे उस बच्ची का निकाह उसके बाप ने पढ़ाया था वो लड़का बालिग था, लड़की नाबालिग थी, और दूसरी तरफ से जो लड़की आई इनका निकाह भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई। अब ये हमारे इस रियासत में रहने वाली जो बच्ची थी गुलाम ऐशा के नाम की, ये जब जवान हुई तो इसका जिससे निकाह हुआ था उसका शोहर मिर्जई हो गया था। अब ये मसला चला कि मुसलमान का मिर्जई के साथ निकाह हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो वो क्योंकि शहर के मुफ्ती ये थे हजरत मुफ्ती बोलना मुफ्ती बहलबा साहब रहमतुल्लाह, उनके यहां ये बात आई, इन्होंने फतवा लिखा कि मिर्जई के साथ मुसलमान लड़की का निकाह नहीं हो सकता। अब ये फतवा जारी हुआ, उधर से उस लड़के वालों ने मुल्तान में, क्योंकि वो डेरा गाजी खान के थे, उन्होंने मुल्तान की अदालत में केस दायर कर दिया कि इन्होंने निकाह करके दिया हुआ है और लड़की हमारे यहां हवाले नहीं करते। अब इस लड़की की तरफ से भावलपुर की अदालत में केस दायर हो गया कि काफिर के साथ हमारा निकाह हुआ था, लेकिन अब ये लड़का काफिर हो गया है, इस्लाम से खारिज हो गया है, मिर्जई बन गया है, अब इसके साथ ये हमारा फतवा है, हमारी लड़की हम देने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये केस चले, वो गरीब खातून थी, गरीब घर के लोग थे, वो पैदल वहां से चलते यहां पर आते और हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह के पास रात को ठहरते, वो हजरत कुछ खर्चा दे दिया करते थे, वो फिर यहां से रवाना हो जाते। केस चलता रहा, वो उनके केस वो हार गए मुल्तान से भी, भावलपुर की अदालत से भी, हत्ता के बड़ी से बड़ी अदालत ने भी उनको नाकाम कर दिया, केस हार गए। तो उलमा इकट्ठे होकर हजरत नवाब सादिक उमर खान साहब के हाथ तशरीफ ले गए और उनको जाकर अर्ज की कि जनाब ये खत्म नबूवत का मसला है, हमारे इस खातून के पास खर्चा नहीं था, इसने अपना मुद्दा पेश नहीं कर सकी सही तरीके से, हमें इसकी मोहलत दी जाए, हम इसका सही तरीके से मुद्दा पेश कर सकें। और नवाब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हुक्म नाफिज फरमाया, सुप्रीम कोर्ट की अदालत के ऊपर एक और अदालत बनाई जिसके खुद जज बने, और उस वक्त का वजीर आजम और एक पूरी कमेटी तश्कील दी गई, वो जजेस थे कि वो नजरसानी करेंगे, केसेस जो है उनको देखेंगे और जो केस काबिल समाअत हैं उनको असर नौ फिर चलाएंगे। चुनाचे नवाब साहब के हुक्म पर एक और अदालत बनेगी उसी वक्त, तो नवाब साहब की इस हुक्म के मुताबिक वो केस फिर लगाया गया और नवाब साहब ने उसको सुना। उस वक्त के वजीर आजम जो कमेटी थी, बेंच थी पूरी जजों की, उन्होंने फिर उस पर सुनने के बाद गौर खोज किया और उन्होंने केस को देखने के बाद यही लिखा कि वाकई ये खातून गरीब है, ये अपना मुद्दा पेश नहीं कर सकी, अपना रिकॉर्ड पेश नहीं कर सकी, तो लिहाजा असर नौ इस केस को फिर सुना जाए। फिर वो केस पीछे आया, असर नौ उस केस की समाअत शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने, नवाब साहब ने यह भी हुक्म फरमा दिया कि वो कादियानी अपने पूरी दुनिया से अपना रिकॉर्ड लेकर आए, और मुसलमानों को यह हुक्म दिया कि आप भी पूरी दुनिया से इसका रिकॉर्ड लेकर आए, और मुसलमान इस खातून के खर्चे को नवाब साहब ने अपने ऊपर डिपेंड कर दिया कि इसका खर्चा भी मैं बर्दाश्त करूं, ताकि ये नहीं कर सकती, सरकारी तरीके से इसका खर्चा अदा किया जाएगा और ये आकर इसको मुकदमे को लड़े। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकदमा चला, फिर पाकिस्तान बन गया, वन यूनिट में नवाब साहब शामिल हो गए, उन्होंने अपनी रियासत को कुर्बान कर दिया पाकिस्तान पर, और उन्होंने कहा कि क्योंकि मुस्लिम रियासत हमारी एक मुस्तकिल एक मुल्क बन गया है,
तो इसलिए मैं भी इसको अपनी रियासत को उसी में, जबकि कायद आजम मरहूम रहमतुल्लाह ने उस वक्त कहा था कि नवाब साहब अगर आप अपनी रियासत को रखना चाहते हैं रख लें, पर मैं नहीं, क्योंकि मुसलमानों की खातिर एक मुल्क बन गया है, मैं भी उसी में शामिल होता हूँ, अपनी रियासत को इस पर कुर्बान करता हूँ। अच्छा, इसका मतलब है वो कादियानियों को काफिर करार देने का जो फैसला हुआ वो इसी बीबी के मुकदमे के मुकदमा बायस बना इसका? बड़ी तफसील बता रहा हूँ इसकी। अल्हम्दुलिल्लाह वो नवाब साहब की रियासत खत्म हुई, लेकिन वो जैसे चल रहा था वो बदस्तूर जारी रहा, और उसका फैसला अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से उलमाए तशरीफ लाए, मौलाना अनवर शाह साहब कश्मीरी रहमतुल्लाह इसके आखिरी गवाह थे जिन्होंने आकर इसका मुद्दा पेश किया। कादियानी मुकम्मल ताकत के साथ आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ये नाकाम हुए, और फिर ताकत के जोर पर इस फैसले को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन क्योंकि फैसला उस वक्त हो चुका था उसे सुनाया नहीं गया था, बिल आखिर ये फैसला फिर सुनाया गया और काफिर कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया, और ये फैसला दिया गया कि काफिर का निकाह मुसलमान के साथ नहीं हो सकता। ये सबसे पहला फैसला, पूरी दुनिया उस वक्त सोई हुई थी, पूरी दुनिया मुस्लिम दुनिया पूरी सोई हुई थी, कादियानी दनदना रहे थे दरिंदू की तरह, खत्म नबूवत पर डाके डाल रहे थे, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर डाके डाल रहे थे, ये खत्म नबूवत पर डाके डाल रहे थे, ये वाहिद बादशाह है हमारा मुसलमान, ये रियासत भावलपुर नवाब सादिक उमर खान साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका फैसला करवाया और कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। इस रियासत की वजह से जब ये काफिर करार दे दिए गए, अल्हम्दुलिल्लाह वही फैसला फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जब ये पेश किया गया, वहां भी एक काबीना बनी, कादियानियों को बुलाया गया, इसी फैसले को सामने रखा गया, फिर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने भी इसी फैसले को सामने रखते हुए कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया। फिर कादियानियों को जगह नहीं मिलती थी, ये साउथ अफ्रीका में दौड़े, वहां इन्होंने जाकर मुकदमा दायर किया, तो वहां भी जियाउल हक का दौर था, उसने यहां से अपने जजेस भेजे, उलमा की जमात भेजी, अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी रियासत भावलपुर का फैसला साथ आया और पार्लियामेंट का फैसला, रियासत भावलपुर का फैसला वहां पहुंचा, और उस साउथ अफ्रीका ने भी बिल आखिर कादियानियों को गैर मुस्लिम काफिर करार दिया। ये हमारा क्रेडिट, ये हमारे नवाब साहब को पहुंचा है, ये बहुत बड़े मुस्लिम बादशाह थे और गैरतमंद थे, इस्लाम पर मर मिटने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी पे गुजारी है।